मेक्स यू वॉन्ट मोर। चलो भाई नेक्स्ट है एक्टिंग सेगमेंट, बताओ तुम्हारे टॉस की बारी है। हाँ टेज इट इज टॉस, आप लोग जीते हैं पहले आप लोग आएंगे। आइए जनाब सिचुएशन पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन है, आप लोगों की गौर से सुनिएगा। एक लड़का गंजा है, उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती गंजा करवा दिया है। अब अगर कोई भी इसके सर पर हाथ मारता है या उसको छोटे गंजे बोलता है तो वो बहुत चिढ़ता है, इसको गुस्सा आता है। आज इसके दोस्त इसकी गद बनाएंगे, यानी कि उसकी पिटाई विटाई लगाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। मजाक लेकिन जैसे दोस्त आपस में करते हैं ना एक दूसरे से मजाक, वो वाला मजाक है, सही तंग कर रहे हैं। यानी कि एक लड़का गंजा है, इसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती गंजा करवाया, कुछ क्या क्या करवा दिया होगा। अब अगर कोई भी उसके सर पे हाथ मारता है या उसको छोटे गंजे बोलता है तो वो बहुत चिढ़ता है, उसको गुस्सा आता है। आज उसके दोस्त की गद बनाएंगे। आओ एक मिनट माइक दे दें भाई, चारों माइक दे दो, जल्दी से आ जाओ, वो वाला माइक भी ले आओ। हाई स्टेक की तरफ से लड़ी जाएगी मीनिंग टीम के साथ, है सबके पास, आप लोग सारे दोस्त हैं, रेडी गो। अल्लाह कैसे अम्मी अब्बू दे दिए गंजा करा दिया, अब्बू खुद तो लंबे लंबे बाल लगते तो लश्कारे मारते थे जॉनी डेप, और अम्मी भी कोई सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं। गंजे मुर्गी का पंजा लारे गंजा, हट जा यहाँ से, तू तो लंबे बाल लग के बैठा। एक मिनट ये कंघा ले, ये एक तुम छोड़ो मेकअप लगाए, चांद ग्रे नहीं हो तुम, ये कंघा पकड़, ये कंघा पकड़, आगे के बाल तो बना ले, ये कंघा पकड़, मेरे गंजे को छोड़ अपनी मांगे सुलझा ले। जलनी जलनी मेरे बाल देखे जल रहा है गंजे, अरे जले मेरा मोजा। अच्छा एक बात बोलूं, हां बोल, बात बोलूं, ये सर नहीं मुझे घुटना लग रहा है यकीन कर। नहीं मम्मी ने गंजा करा दिया मम्मा। अच्छा एक बात बताओ, तेरे पास बाइक है, पागल के बच्चे हेलमेट तो उतार, बाइक का है अभी, हेलमेट पहन के घूम रहा ऊपर। अबे मेरे दोस्त तो दुश्मन हो, बड़ी चमक रही, कौन सा तेल लगा रहे हो टाट पे अपनी, टाट को छोड़ो, मैं कुछ बोलूं उतार दिए तुम्हारे लिपस्टिक लंबी छप जाएगी तुम्हारे टाट पे। इधर देखो इधर देखो, अभी हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। जबरदस्त गाइस, बहुत अरे शाबाश। हां भाई अब बारी आप लोगों की, लाइव में सिचुएशन बताइएगा। जनाब लड़का अपनी फ्रेंड को प्रपोज करने में घबरा रहा है, आई लव यू बोलने में शर्मा रहा है। अब लड़के की कजन उसको बता रही है कि वो ये काम किस तरह करे, लड़के के हाथ पैर फूल रहे हैं। दो चीजें हैं, एक तुम्हारी कजन तुम्हें बताएगी, उसके बाद तुमने जाके लड़की को बोलना है, प्रपोज करना है। लड़का अपनी दोस्त को प्रपोज करने से घबरा रहा है, जो भी उसकी फ्रेंड होगी, आई लव यू बोलने में शर्मा रहा है, वो खुद शर्मा रहा होगा, उसकी फ्रेंड आएगी उसको हेल्प करेगी किस तरह करना है, फिर तुमने जाके बोलना है। ये ज़्यादा कॉमेडी नहीं लग रही मुझे, ये रोमांटिक है। आइए जनाब और इसमें म्यूजिक बजाने में आप भी तो नंबर वन है। चलो भाई एक मिनट पूरा तुम लोगों के पास, रेडी। अच्छा जनाब अब बताइए आप हैं तो आपकी कजन कौन है, ये समझाएंगी आपको, आपने बोलना उनको है, पहले आपको दे माइक दीजिए, इनको माइक दो। चलो भाई एक मिनट पूरा तुम लोगों के पास, रेडी। माइक तो दो ही ना यार, देख लेना माइक चल रहा है। हेलो, बिल्कुल सही, रेडी। अपी शुरू तो होने दो, अभी तुमने इतनी जल्दी से माहौल बना रहे हो तुम यार, रेडी गो। यार मुझे समझ नहीं आ रही हीरा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे कहूँ। आप उसके पास जाएं और आप उसको बोलें आपके टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और उसके साथ जाएगा बोलना कोमल तू लड़की बड़ी कूल है लेकिन ये दुनिया बड़ी फजूल है। अरे वो ऐसी लड़की नहीं है यार, वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। तो चोटियां बनाओगे उसके बालों में जाके, फिर बोलोगे तेल लगाओगे, दादी बन जाओगे उसके, हैं कैसे बोलो उसको मैं? ऐसे जाके बोलो, बोलो कोमल मेरी जान, मेरी कोमल कोमल सी कोमल, तुम्हारे लिए ये कोमल सा फूल, जाओ जाओ उसके पास, जाओ 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 जाओ, चले जाओ। मैं जाता हूँ। अरे तुम क्या करने आए हो यहाँ? कोमल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, क्या हो गया, मेकअप करके आए हो क्या जो मुंह छुपा रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कोमल। अच्छा फूल कहाँ है कोमल? कोमल मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर तो नहीं ला सकता, हाँ। लेकिन घर के छत की चारपाई पर तुम्हें चांद तारे जरूर दिखा सकता हूँ। कोमल के अंकल आ गए, जरूर दिखा सकता हूँ। अंकल आ गए क्या? अंकल आए, अंकल आ गए, अंकल अल्लाह के नाम पे ले ले, बढ़िया के अल्लाह के नाम पे। अच्छा बहुत आनंद रहा, डिसाइड करेगी मेरी टीम के ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किसकी थी, बताइएगा। हाँ जी, आज पाकिस्तान स्टार्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी जी। ओसामा एज यूजुअल बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस भी देता है, बहुत अच्छा एक्टर है, एक्टिंग भी करता है, और हीरा भी कम नहीं, हीरा ने भी अच्छी एक्टिंग की है, और सॉरी कोमल ने।
और हमारे यूट्यूबर्स हैं, जहाँ तक इन तीनों की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, तीनों ने सिचुएशन में भी थे और मुझे बेहतर जो परफॉर्मेंस लगी दोनों में तो वो आज यूट्यूबर्स की लगी। बाकी आप प्लीज़ अपनी राय जरूर सीखें। अच्छा, यूट्यूबर्स को थोड़ा सा एज वाकई था इस बात का कि उनकी सिचुएशन फ़नी थी और वो बाकी जो बातें लारे तो होता ही स्पॉन्टेनियस है। बाकी भी एक्टर्स जो थे वो बहुत अच्छी एक्ट कर रहे थे, इमरान ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी ऐड की थी, लेकिन पाकिस्तान स्टार्स की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं थी। जो इनको सिचुएशन दी गई थी उसके हिसाब से इन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया था, तो मेरे हिसाब से ये दो पॉइंट दोनों टीम से आ जाएंगे। आओ, हो जाएगा इस। प्यार हो गया किसी से यार, हमें प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया तुमने, रातों में चुरा लिया। प्यार हो गया किसी से यार, हमें प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया तुमने, रातों में चुरा लिया। प्यार हो गया किसा। दो पॉइंट्स जाएंगे पाकिस्तान स्टार्स के साथ, दो पॉइंट्स ही जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ। साथ साथ दोनों ने ऐसा की तरफ से एलईडी भी विन की है। कोई ना तोड़ सके ऐसा रिकॉर्ड बना, आसमान तक गूंजे जीत का शोर मचा, बनना होगा हिम्मत का दूसरा नाम। अब मुश्किल को मुश्किल में डालना होगा, क्योंकि इसका आम से खास छह टीम्स और योर स्क्रीन्स। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान में। पहली रमजान से चांद रात तक, शाम 7:30 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।